रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री होने के बाद गुरुवार को महिला यात्रियों की भीड़ रही। आपको बता दें कि सुबह से बस स्टैंड पर भीड़ लगी है। यात्री ज्यादा होने के चलते बस खचाखच भरी है। वहीं कई रूटों पर बस के लिए महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। रक्षाबंधन पर प्रदेश सरकार ने 11 और 12 अगस्त को यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 6 बजे से त्योहार पर भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया भीड़ बढ़ती गई। आलम यह रहा कि मैनपुरी इटावा मेरठ की ओर जाने वाली महिलाओं को बसों के लिए इंतजार करना पड़ा। बस में सीटों के लिए मारामारी रही। रास्ते में बने स्टैंड से बैठने वाली कम महिलाओं को सीट मिली। वहीं रोडवेज के अधिकारियों ने त्यौहार के लिए बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाने और आधे घंटे में बस की उपलब्धता की बात कही है, मगर इसके बाद भी भीड़ को देखते हुए रोडवेज के दावों की हवा निकल गई। आपको बता दें कि बसों के साथ ट्रेनों में भी भीड़ है। त्यौहार पर घर जाने के लिए लोगों ने बहुत समय पहले ही रिजर्वेशन करवा लिए थे। ऐसे में जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला उन्होंने वेटिंग टिकट के साथ ही यात्रा की। भीड़ के चलते जनरल डिब्बों के अलावा स्लीपर कोच में भी भीड़ रही। आपको बता दें जनरल डिब्बों में जगह न मिलने पर यात्री स्लीपर कोच में चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।